नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कुपोषण पर शिक्षा विभाग का फोकस, सरकारी स्कूलों में पोषण योजना लागू, वर्ग शिक्षकों की कुपोषित बच्चों की पहचान की जिम्मेदारी। बिहार में मानसून की विदाई नजदीक, शरद ऋतु का आगमन, नवम्बर में बढ़ेगा ठंड का असर। बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा, सिंचित और असिंचित क्षेत्र के लिए अनुदान, कृषि विभाग ने खोला आवेदन पोर्टल विंडो। बिहार में 6456 सड़क हादसे दर्ज, पटना में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं, ओवर स्पीडिंग दुर्घटनाओं का मुख्य कारण। जहीर खान आज मना रहे 46वां जन्मदिन, इंजीनियरिंग छोड़ क्रिकेट को चुना था, नकल बॉल की थी खोज। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में रोजगार के इच्छुक लोगों के लिए एक खुशखबरी आई है। राज्य भर में 1400 निर्यात केंद्र खोले गए हैं। डाक विभाग के विशेष अभियान के तहत जो 7 जून से 17 सितंबर तक चला, हर जिले में निर्यात केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहले केवल 46 निर्यात केंद्र थे, जिससे छोटे उद्यमियों को अपने उत्पाद भेजने में कठिनाई होती थी। अब नए केंद्रों से छोटे उद्यमियों की आय बढ़ेगी और पंचायत स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वर्तमान में 1000 छोटे बड़े उद्यमी डाक निर्यात केंद्रों से जुड़े हैं। अधिकारियों का मानना है कि इससे ग्रामीण उद्यमियों का रोजगार और राज्य की आय भी बढ़ेगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में कुपोषित बच्चों के पोषण पर ध्यान देने के लिए शिक्षा विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्लास टीचर्स को कुपोषित बच्चों की पहचान करने और उनके भोजन का ब्यौरा रखने का निर्देश दिया गया है। बच्चों को स्वस्थ मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने के लिए अलग अलग मेनू तय किए गए हैं, जिसमें जैविक सब्जियों का उपयोग भी किया जाएगा। पोषण वाटिका की योजना के तहत 40,000 स्कूलों में जैविक सब्जियाँ उगाने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही शिक्षा विभाग ने स्कूलों में कुपोषित बच्चों की पहचान करने की जिम्मेदारी क्लास टीचर को दी है। इन शिक्षकों को ऐसे बच्चों के नाश्ता व भोजन आदि का भी ब्यौरा रखना होगा, ताकि बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। बिहार में मानसून की विदाई का समय नजदीक आ गया है, जिससे शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। दिन में गर्मी और रात में सिहरन का एहसास हो रहा है, लेकिन तापमान सामान्य से अधिक है। अक्टूबर मध्य से मानसून की विदाई शुरू होगी, जिसके बाद नवंबर में ठंड का असर बढ़ने की उम्मीद है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होगी, जिससे पटना समेत पूरे प्रदेश में ठंडी हवाएं चलेंगी। इस साल मानसून में सामान्य से कम बारिश हुई है, जिसके कारण ठंड का अनुभव अभी तक कम हो रहा है। अगर बारिश अच्छी होती तो ठंड का एहसास पहले से होता। बिहार सरकार ने सितंबर में आई बाढ़ से फसल के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है, जिसके लिए कृषि विभाग ने किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, जिसमें सिंचित क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपये और असिंचित क्षेत्र के लिए 8,500 रुपये की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। बाढ़ के कारण लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर में फसल नष्ट हुई है। सरकार ने इस क्षति के लिए 200 करोड़ रुपये का अनुदान भी निर्धारित किया है। इसके लिए बीते दिन आवेदन पोर्टल का विंडो भी खोल दिया गया है। आवेदन प्राप्त होने के बाद कृषि विभाग जांच करेगा और रिपोर्ट के आधार पर किसानों के बैंक खातों में मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम आज से बिहार दौरे पर हैं। पटना पहुंचने के बाद वे गया जाएंगे, जहां 8 अक्टूबर को बिहार जेन नेक्स्ट का उद्घाटन करेंगे। आज शाम 6 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। इसके बाद वे डेटा ड्रिवेन गवर्नेंस पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसमें 19 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बिहार सरकार के पिछले 50 वर्षों के कार्यों का डेटा उपलब्ध कराना है। बिहार सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ निशुल्क HPV वैक्सीनेशन की शुरुआत की है, जिससे यह देश का पहला राज्य बना है। यह अभियान पटना, नालंदा, सिवान, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में शुरू हुआ, जहां 9 से 14 वर्ष की बच्चियों को वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर से 17% मौतें होती हैं और बिहार में 1 करोड़ बच्चियों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। अगले एक साल में इस पर 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बिहार अब बीमारू प्रदेश नहीं बल्कि स्वस्थ प्रदेश बन गया है। यह टीकाकरण नियमित टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा होगा जिसमें 2 डोज दिए जाएंगे। इस कदम से राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। बता दें कि सर्वाइकल कैंसर गंभीर बीमारी है जो अधिकांश तौर पर 26 से 38 वर्ष की आयु की महिलाओं को ग्रसित करता है। बिहार में डेंगू के डंक का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 123 नए मरीज मिले जिनमें 59 पटना से हैं। इस साल 1 जनवरी से अब तक कुल 3,964 डेंगू के मरीज सामने आए हैं जबकि 12 लोगों की मौत हो चुकी है। अन्य जिलों में भी मरीज पाए गए हैं जैसे अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय आदि। डेंगू के मामलों को ध्यान में रखते हुए IGIMS में डेंगू वार्ड में बेड की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई है जिसमें 3 ICU बेड शामिल हैं। अस्पताल प्रशासन ने 50 से ज़्यादा सैंपलों की सीरोटाइपिंग की जिसमें 3 स्ट्रेन मिले हैं लेकिन गंभीर लक्षण कम देखने को मिल रहे हैं। सिमुलतला आवासीय विद्यालय की कक्षा 6 प्री प्रिलिमिनरी एंट्रेंस एग्जाम 2025 का आयोजन 18 अक्टूबर 2024 को राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। छात्रों के लिए एडमिट कार्ड आज से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। इसके लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी। एडमिट कार्ड आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा केवल एक शिफ्ट में आयोजित होगी जिसमें छात्रों को प्रश्न पत्र हल करने के लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा का समय दोपहर 1 बजे से 3:30 बजे तक रहेगा। बिहार पुलिस ने पिछले 7 महीनों में सड़क दुर्घटनाओं का डेटा जारी किया है जिसमें पटना 636 मामलों के साथ पहले स्थान पर है जबकि मुजफ्फरपुर 408 दुर्घटनाओं के साथ दूसरे नंबर पर है। कुल मिलाकर 1 जनवरी से 31 जुलाई के बीच राज्य में 6,456 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार 80% दुर्घटनाएं मानवीय गलती से होती है जिसमें 72% ओवर स्पीडिंग के कारण है। 11 जिलों में दुर्घटनाओं की संख्या 100 से कम रही जबकि 9 जिलों में 200 से अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं। पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता और यातायात नियमों के पालन पर जोर दिया है। CBI ने रॉकी यादव वाले मामले में तीनों आरोपियों को बीते दिन शाम को विशेष अदालत में पूछताछ के लिए पेश किया जिसमें पता चला है कि DSP अजय प्रताप सिंह ने रॉकी यादव से 3 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। साथ ही उसे और उसकी मां को नक्सली सूची में डालने की धमकी दी। 26 सितंबर को NIA दफ्तर बुलाकर उन्होंने रॉकी से 2.5 करोड़ रुपए की मांग की जिसमें रॉकी ने पहले 35 लाख रुपए दिए। जब DSP 20 लाख रुपए ले रहे थे तभी CBI और NIA की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। CBI ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है जिसमें अजय को भ्रष्टतम अधिकारियों में से एक बताया गया है। उनके चचेरे साले हिमांशु सिंह और दीपू सिंह को भी गिरफ्तार हुए हैं। पटना को गार्डन सिटी बनाने की तैयारी तेज हो गई है जिसका उद्देश्य शहर को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाना है। बिहार सरकार VIP इलाकों और व्यस्त सड़कों पर ग्रीन बेल्ट बनाएगी और पटना पार्क प्रमंडल पौधे लगाएंगे। इसके लिए हैदराबाद और बैंगलोर से विशेष पौधे जैसे सांग ऑफ इंडिया, ब्लैक ग्रास और स्पाइडर लिली मंगवाए जा रहे हैं। यह परियोजना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और अगले 8 वर्षों में पूरी होने की योजना है। प्रदूषण से प्रभावित लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह पहल शहर के वातावरण में सुधार लाने में मदद करेगी। बिहार में बाढ़ के कारण हालिया 2 हादसों में 10 बच्चों के डूबने से मौत हो गई है। रोहतास में 6 बच्चे सोन नदी में नहा रहे थे जबकि कटिहार के समेली रेलवे हॉल्ट के पास 4 बच्चे गहरे पानी में चले गए। स्थानीय लोगों ने शव निकालने में मदद की और सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का आदेश दिया है और इस दुखद घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सभी मृतकों के आश्रितों को धैर्य धारण करने की प्रार्थना भी की।
आरजेडी चीफ लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को लैंड फॉर जॉब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1,00,000 रुपए के जमानत बॉन्ड पर जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। ईडी ने कुल 8 लोगों को समन भेजा, जिसमें लालू यादव और उनके बेटों के साथ अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं। इस मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी है। 17 सितंबर को कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के परिवार के 3 सदस्यों को 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया था। कोर्ट में आज पहली बार तेज प्रताप यादव को भी पेश होना पड़ा। मालूम हो कि यह मामला 2004-2009 के दौरान लालू यादव के रेल मंत्री रहने के समय का है, जब उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने नौकरी के बदले ज़मीनें ली। ईडी ने आरोप लगाया है कि तब रेलवे में ग्रुप डी पदों पर नियुक्तियां जमीनों के बदले की गई थी। पिछले 18 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हाल में उनकी पार्टी ने 2025 विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें सीएम कैंडिडेट बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। इस बीच कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने नीतीश कुमार को सुझाव दिया कि यदि वे गाय को राजमाता का दर्जा दें और सभी बूचड़खाने बंद करवाएं तो वह आजीवन सीएम रह सकते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज समस्तीपुर जिले के सराय रंजन प्रखंड के उदयपुर गाँव के एक कार्यक्रम में थे, जहाँ उन्होंने मंत्री विजय कुमार चौधरी से सीएम को इस सुझाव के बारे में बताने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने बाढ़ नियंत्रण के लिए भी सरकार को नदी जोड़ने का सुझाव दिया। मंत्री ने बाबा को आश्वासन दिया कि वे उनके संदेश को सीएम तक पहुंचाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान आज अपना 46वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने 2000 में सौरव गांगुली की कप्तानी में भारत के लिए डेब्यू किया। जहीर ने इंजीनियरिंग छोड़कर क्रिकेट को चुना और खेल के दौरान नकल बॉल का आविष्कार किया। उन्होंने 2014 में अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला और 2015 में क्रिकेट से संन्यास लिया। इसके बाद जहीर को 2 साल तक IPL में सक्रिय रहे और अब वह युवा खिलाड़ियों को निखारने का काम कर रहे हैं। उनकी मेहनत और योगदान ने उन्हें क्रिकेट के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं विनोद महात्मा, राजकिशोर महतो, कौशलेंद्र कुमार मिश्रा, कुश कुमार यादव, अमित आनंद, नवल किशोर झा, रवि कुमार राज, मनोरंजन प्रसाद, जितेंद्र ठाकुर, पल्लवी सदुल्ला, अर्जुन राम और गोपाल कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको क्या लगता है कुपोषण से बचाव के लिए सरकार को और कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।